इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है उर्दू नामा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं तरक्की पसंद तनकीद में एक बहुत बड़ा नाम बहुत अच्छे शायर बेहतरीन सवा, ख़ुदनविश सवान नगार बहुत अच्छे उस्ताद और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान प्रफ़र शार दौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं यह हमारी खुशनसीबी है कि शारीफ़ साहब ने उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू नामा के लिए अपना वक्त दिया है हम बेहद शुक्रगुजार हैं इससे पहले कि शारीफ साहब अपनी जो खुद नवि नई इब्तदा की खबर है नई इंतहा मालूम उसके कुछ हिस्से हमारे सामीन और नाजरन के सामने पेश करें मुझे मुनासिब मालूम होता है कि शारीफ साहब की मुख्तसर उनके हालात ज़िंदगी बयान करूँ अफसर शारफ रुदौलवी साहब का ताल्लुक रुदौली से है जो लखनऊ से बेहद करीब है और आपकी पैदाइश यकम सितंबर 1935 को रुदौली में हुई आपकी इब्तदाई तलीम भी रुदौली में ही हुई आपके वालद मोहतरम का नाम हकीम हसन अब्बास और वालदा महतरमा का इसम ग्रामी अमीरिससा था कानपुर से हाई स्कूल किया उसके बाद से कानपुर से ही आपने इंटरमीडिएट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने बी ऑनर्स किया उन्नीस में आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उर्दू में एम किया और उन्नीस में आपने पी की उन्नीस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज दयाल सिंह में दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर की मुलाजमत हासिल हुई कुछ दिनों तक आपने एन में प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी बाद हजा फिर दयाल सिंह कॉलेज वापस आ गए और उन्नीस में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के केहदे पर मामूर किया गया एक तवील अरसे तक आपने तदरीसी खदम दी हैं और आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है जो मुल्क और बैरू मुल्क में फैली हुई है आपकी जो इलमी और अदबी फतूहत हैं उनकी फहरिस्त भी ख़ासी तवील है जिनमें चंद किताबों का नाम मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ आपकी हाल ही में खुद खुदनविश शाये हुई है न इब्तदा की खबर है न इतहा मालूम इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं उनमें सबसे अहम किताब जदीद उर्दू तनकीद असूल नज़रियात जो उर्दू की चंद अहम किताबों में से है जो उर्दू तनकीद को समझने और उसकी तफहीम में मुआान है और इसके ला कई एडिशन्स इसके शाया हो चुके हैं और तलबा में बेहद मकबूल है ये किताब इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं तरक् पसंद शेरी फ़िक्र और उर्दू शरा तनकीदी अमल असरारजाज तनकीदी मुबाद मासी उर्दू तनकीद आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तनकीद इंतब गजलियात सौदा उर्दू मरसिया तनकीदी मताले मुताल वली जिगर फन और शख्सियत अफकार सौदा मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो आपने तहरीर की हैं इनके प्रोफेसर शाहबूलवी साहब की और अदबी खिदमात के अतराफ़ में बहुत सारे इदारों ने उन्हें इनामत वदमत तो में पेश किए हैं जिनमें खास तौर से दहली उर्दू अकेडमी का हिंद बहादुर शाह जफर अवार्ड, यश हुकूमत उत्तर प्रदेश का यश भारती अवार्ड, मगरबी बंगाल उत्तर प्रदेश आ, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का नेशनल अवार्ड, गालिब एवान गालिब का गालिब अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूपी उर्दू एकेडमी का इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है आपके इनाम एजाजात की जिनसे आपको नवाज़ा गया है और आपकी इलमी खिदमात का एतराफ़ किया गया है प्रोफेसर शारीफुल्दौलवी हमारे उन उनजा में से हैं जिन्होंने कई नस्लों की इल्मी, फिक्री आबियारी की और जहनी तरबियत की है उनकी शख्सियत का इज्जत इंकसार मोहब्बत खलूस हमदर्दी रवादारी बड़ों का एहतराम छोटों से शफफत आला जरफी वगैरह ऐसे औसाफ हैं जिनकी वजह से उनको हर जगह कदर की निगाह से देखा जाता है मुझे फख्र है कि मुझे शारीफ उदौलवी साहब का शागिर्द होने का मौका नसीब हुआ हाल ही में शारीफ़ साहब की खुदनविश न नब्तः की खबर है न इंतहा मालूम के नाम से मंजर आम पर आई है उस्ताद मोहतरम की शख्सियत की शराफत सादगी मुनकसर मिजाजी सुलहकुल म्याा रवी और इंसानियत नवाजी इस खुद के एक एक लफ्ज से मुतरश है खुद दरअसल इजहार जात का फ़न है आम तौर पर खुद नगार इजहार जदात के ज़िम में तोन और म्याा रवि बरकरार नहीं रख पाते और अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं बाद खुद से ज्यादा मुबालगा आरई से भी काम लेते हैं और नतीजा ये होता है कि खुद नजहार जदात का वसीला ना होकर उनकी ताली और बड़बोलेपन का नमूना बन जाती है लेकिन शार्फ़ साहब के, के तमाम नकायस के पास है इसमें एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ये जाहिर हो मुनफ ने अपनी शख्सियत को बदतर और आला साबित करने की कोशिश की इश्ताल शराफत ईमानदारी रातबाजी नश्र नफरी मियाना रवि और फलूसियत का खासा है वही खूसियात इस खुद में भी नजर आती है इस खुद में शारीफ़ साहब एक मुखलिस उस्ताद एक मतवाजुन और साहब नजर नक़ाद एक मतबर महकिफ एक बेरिया दोस्त एक मोहब्बत करने वाले शौहर एक बेहतर मुंतजिम और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान के तौर पर हमारे सामने आते हैं जो लोग तौर पर शारीफ साहब से वाकिफ़ हैं वो इस बात की शहादत देंगे कि इस खुदनविश में जो कुछ बयान किया गया है इसमें हर्फ बहर

न इब्तः की खबर है न इंतहा चार सौ चौरानवे सफ़ात में मुश्तमिल इस खुद नारिक साहब ने ना न सिर्फ अपनी छियासी जिंदगी के फराज का बखूबी अहाता है बल्कि गुजतः सत्तर पचहत्तर बरसों के हिंदुस्तान की तारीख भी बयान कर दी इस खुद में उन्होंने अपने आबा आबादाद के बारे में भी तफसलत बयान की हैं और अपनी जिंदगी के अहम वाक़ात भी पेश किए हैं ये खुद सिर्फ शारुदौलवी साहब की आप बीती नहीं बल्कि अवध की तहजीब का मरक् और हिंदुस्तान की के मुश्तर कल्चर के जवाल की दास्तान भी है हमें खुशी है कि आज प्रोफेसर शारदौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी गुजारिश पर उन्होंने इस नवि के चंद मंतखब हिस्से हमारे कारयन हमारे नाजरन के सामने पेश करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं हम बेहद आपके शुक्रगुजार हैं सर कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उर्दू नाम में आप मौजूद हैं शुक्रिया डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब मैं उर्दू नामा और मानो यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी ख़ुद नविश्त ख़ुद पढ़कर सुनाऊँ हजरात खुद ख़ुदनवश लिखना भी एक मुश्किल काम है और जिन लोगों ने खुद ख़ुदन लिखी है वो समझते हैं कि इसमें कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं लेकिन उसे पढ़कर सुनाना ये ख़ुद एक बड़ा मुश्किल काम है कहाँ से कौन सी चीज़ आपको सुनाई जाए कितनी सुनाई जाए और कहाँ पर आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है एक पूरी ज़िंदगी का कस्सा है छियासी साल की जिंदगी या और अब तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी उसे समेटते समेटते भी एक बड़ा वक्त चाहिए मैं चाहता नहीं था और नहीं अपने में हिम्मत पाता था कि मैं इसे सुनाने के लिए बैठूं या कुछ उससे हिस्से उसके निकाल कर आपके सामने पेश करूं लेकिन ये डॉक्टर फ़िरोज़ आलम का इसरार और बार बार का इसरार महीनों से लगातार ये मेरे पीछे पड़े थे मजबूरन मुझे कहना ही पड़ा कि मैं पढ़ दूँगा कुछ हिस्से मैं आपके सामने शुरू ही के पहले सफ़े से और आखिरी सफर तक की के चंद हिस्सों के इंतबात पेश करने की इजाजत चाहता हूँ जमाने की रफ्तार भी अजीब है वो नहीं देखता कि उसकी गर्दिश में कौन कुचल गया और कौन खत्म हो गया इल्ज़ाम आता है इंसान की किस्मत पर कभी अर्जी समावी आफात पर और कभी फलक पर मैं जब ज़िंदगी के गुज्ता और पर नज़र डालता हूँ तो हर ज़माने के लोगों को इसी तरह की शिकायत रही है ये माल नज़र आता है मेरा ज़माना भी उससे अलग नहीं है मेरा घर भी बड़ा था दरवाज़ा और चौखट की ऊँचाई देखकर कर बड़ाई का अंदाज़ा होता था लेकिन सहन कच्चा था जो एक तरह से मकीनों की गिरती हालत की चुगली कर रहा था मैंने जब आँख खोली तो इल्मी बड़ाई के चर्चे थे किताबें चारों तरफ फैलती जा रही थीं, जायदाद और गांव की हदें सिमटती जा रही थी मकान तक पहुंचने के रास्ते गलियों में तब्दील हो गए थे लाला पुरुषोत्तम जो रुदौली नोटिफाइड एरिया के एक अरसे तक चेयरमैन रहे उन्होंने अपने मकान के चबूतरे में आमोदरफ्त का आधा हिस्सा घेर लिया था इसलिए उस तरफ से कोई सवारी घर तक नहीं आ सकती थी दूसरी तरफ यानी जुनूब के रास्ते से कार और गाड़ियाँ घर आती थीं और ज़रा घूम कर रास्ता आता था जो ख़राब था ले, लेकिन धीरे धीरे वो रास्ता भी तंग होता गया ये ज़मीनें ज़्यादातर दादा ही की थी और घर में काम करने वाले लोगों परजों मसंदरजी, दर्जी धोबी नाई वगैरह को दी गई थी लेकिन जैसे जैसे उनके ख़ानदान बढ़ते गए मकान भी आगे बढ़ते गए इसका असर रास्तों पर पड़ा आज जब मैं ये लिख रहा हूँ तो वह रास्ते भी सिर्फ इतने रह गए हैं छोटी कार घर तक आ सकती है बहरहाल इस तरह घर का फाटक और सहन कितना ही बड़ा रहा हो मकान रास्ते की तंगी का शिकार रहा सदर दरवाजे के बराबर एक बड़ा बाहरी कमरा और उसके आगे छप्पर था जो दादा का मतलब था और आज की जबान में हमारा ड्राइंग रूम भी मेरा मकान यानी मेरे दादा का मकान जिस महल्ले में है वो महल्ला अब्बासी कहलाता है मेरे और हकीम रौनकरी के मकान के अलावा इर्द गिर्द सब निचले तबके के मुसलमानों की आबादी थी मसन धोबी दर्जी और बढ़ई थे एक हिस्सा न्यारिये मुसलमानों का था इनका काम दिन भर नाली की मिट्टी को दो दो कर सोना चांदी और दूसरी धातें तलाश करना था वो दो चार दिन की मेहनत से जो मिल जाता उसे गला कर साफ करके थकियों की शक्ल में सोनार को जाकर बेच देते थे और यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था ये नियरिए कहलाते थे इनमें बाज हैसियत वाले थे और ज़मीन खरीद कर खेती करने लगे थे इस इलाके में सिर्फ दो मकान हिंदुओं के थे ये लोग बात थे लाला केशवर राम का मकान मेरे मकान के बराबर था ये रहने वाले कहीं और के थे लेकिन घर दामाद की शक्ल में यहाँ आ गए थे ये मकान असल किसका था मुझे नहीं मालूम इस घर के मकीनों में एक बहुत बूढ़ी औरत थी जिन्हें सब नानी कहते थे और एक उनकी बेटी थी जिन्हें हम लोग बहन जी कहते थे उनके कपड़े की दुकान थी उनके घर के अंदर एक बुलंद मंदिर था जिससे उनकी हैसियत का अंदाजा किया जा सकता था दूसरा मकान लाला मनोहर का था लाला मनोहर लाल भी अच्छी हैसियत के थे और उनकी भी कपड़े की दुकान थी लेकिन उनसे माली हैसियत में कमजोर थे उनके मकान की पुश्त मेरे मकान से मिली हुई थी उनका मकान दरअसल महिला संजरी में था लेकिन एक दरवाजा मकान की पुश्त पर हम लोगों की तरफ भी खुलता था उनका मकान हमारे मकान के मगरबी दीवार से मिला हुआ था लाला मनोहर से सिर्फ याद अल्लाह वाली बात थी लेकिन लाला केशवराम जी के यहाँ से घर के से मरासम थे न उनके यहाँ कोई काम हम लोगों के बगैर होता था और न हमारे यहाँ कोई तकरीब उनके बगैर होती थी इस तरह हमारे मकान को इलाकाई मरकज इलाके में मरकजी हैसियत हासिल थी लेकिन बाक़िया तल्ल कस्बा के मुकाबले में हम सिर्फ एक औसत दर्जे के ज़िम्मेदार से ज़्यादा नहीं थे और बहुत अच्छी माली हैसियत नहीं रह गई थी मैं बचपन में सुनता रहता था कि हमारे अजदाद का ताल्लुक ताल्लुक़िया सुल्तानपुर से है और उनके बारे में तारीख़ काजियान सुल्तानपुर नाम की कोई किताब भी है मैंने अपने हर बुज़ुर्ग को ख़त लिख कर ख़ानदान के हालात और उस किताब के बारे में मालूम करने की कोशिश की लेकिन किसी ने इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया सिवाय मेरी भूपी तहरा ख़ातून अहलिया सैयद तवक्कुल हुसैन नैर सुल्तानपुरी के जिन्होंने मुझे उस सिलसिले में बहुत सी बातें तफसील से लिखीं काजियान सुल्तानपुर के सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यह भी अजीब इतफाक है कि आज जब मैं काजियान सुल्तानपुर यानी अपने अजदाद के बारे में ये सत्रें लिख रहा हूँ तो मुहर्रम की चार सौ चौदह की 19वीं तारीख है आज से पूरे आठ सौ चौदह साल पहले बीस मुहर्रम 626 हिजरी को सन ईस्वी के मुताबिक 1230 सौ में ईस्वी में बादशाह अलतमश ने अपने एक फरमान के जरिए हसन महमूद और उनके भाई मोहम्मद हसन को बदतरतीब सुल्तानपुर और जायस का आ, काजी और उस उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी से उन्होंने गवर्नर किया है मुकर करने की तजदीद की थी इसलिए कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पहली बार पाँच सौ पंचानवे हिजरी में हसन महमूद को कुजात मुक्र किया था मेरे लिए मालूम किसी अजमत बड़ाई के एहसास इब्रत की है कि मैं मुल्क के एक अजीमब खान वादे के जवाल की के ज़िंदा सबूत के तौर पर आपके सामने हूँ जिसके पास न इल्म है न दानिश न ना मरतबा ना नाम जिसकी बिना पर खान वादे जनाब अली बलंदार और जनाब काजी हसन महमूद से रिश्ता जोड़ सके हमारे मुर से आला जनाब अली बलंदार अपने अहद के इस्लामी फ़िक और कवानीन के बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी बुजुर्ग थे ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी मुताबिक पाँच सौ नवासी हिजरी में बलख से हिंदुस्तान आए बलख अफ़ग़ानिस्तान का एक सूबा भी है और शहर भी मजार शरीफ से तकरीबन बीस किलोमीटर शुमाल मगरब की जानब आबाद है अली बलंदस्तार एक आलिम सूफी बुजुर्ग थे जो हिंदुस्तान में इल्म की कदर व मंजिलत की खबरें सुनकर एक काफ़ले के साथ अपने बेटों को लेकर रवाना हो गए और अजोधन पंजाब में जो उस वक्त हिंदुस्तान का तस्वुफ़ का बहुत बड़ा मरकज़ था वहाँ सुकूनत अख्तियार कर ली जो जगह बाबा फरीद गंजशकर के हवाले से मशहूर है अयोधन बाबा फरीद गंजशकर के वहाँ कयाम की वजह से बहुत शोहरत रखता है इस इस तरह बलख और अयोधन में एक इल्मी रिश्ता था जो सुल्तान मोहम्मद गौरी का ज़माना था अली बलंदस्तार के चार बेटे थे ये सुल्तान मोहम्मद गौरी का ज़माना था अली बलंदस्तार के चार बेटे थे सुल्तान मोहम्मद गौरी को जब उनके इल्म फजल का इल्म हुआ तो उन्होंने एक बेटे को कैथल हरियाणा भेज दिया और काजी हसन महमूद को पाँच सौ पंचानवे हिजरी मुताबिक ग्यारह सौ निन्यानवे ईस्वी में सुल्तानपुर का कुजात मकबर करके सुल्तानपुर भेज दिया और इसी तकर से काजियान सुल्तानपुर और ख़ुद सुल्तानपुर की तारीख शुरू हुई काजियान सुल्तानपुर की तारीख गौरी दर हुकूमत में एक फरमान से शुरू होती है जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ यहाँ मैंने खुद में फरमान की पूरी नकल दी है जिसको पढ़ना शायद मुनासिब नहीं है काजियान सुल्तानपुर का ये सिलसिला नवाबी ने अवध की हुकूमत तक इसी तरह चलता रहा लेकिन अंग्रेज़ों की जा, 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 आ, के ख़िलाफ़ बगावत में काजियान सुल्तानपुर मातूब हुए और अंग्रेज़ों ने तोप के ज़रिए काजियान सुल्तानपुर का आ, महल और उनका जो वो था उसको उड़ा दिया और तमाम अफराद ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुक़दमे चलाए गए जिन में तेरह अफराद जेल गए थे लेकिन कई लोगों की मौत जेल ही में हो गई नवाब वाजिद अली शाह की माजूली और ब्रजिश कदर के नवाब होने के बाद बेगम हज़रत महल ने मोर्चा संभाला जिससे लोगों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक नया जोश पैदा हो गया 6 जून अठारह को अचानक ये खबर फैली कि छावनी में आग लग गई बागी यहाँ तक आ गए लोग दरिया की तरफ दौड़े घबराकर दो अंग्रेज़ अफसर मिस्टर ए ब्लॉक और एक एस एस्ट्रियन जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे पर फायज थे जान बचाने की कोशिश में बाहर निकले लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की उन्होंने दरिया पार एक मुलाजिम गुलाम मौला के घर पनाह ली लेकिन वहाँ भी लोगों का मजमा इकट्ठा होने लगा तो ये लोग पिछले दरवाजे से निकल कर भागे लेकिन दोनों अंग्रेज मारे गए अंग्रेज़ों को जब इनकी मा, इनके मारे जाने की खबर मिली तो इस खबर ने उन्हें खूंखार जानवरों में बदल दिया यहाँ उन लोगों के पास कहीं से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी एक दिन खबर फैली कि अंग्रेज गोरखा पल्टन लेकर आ रहे हैं इस सिलसिले में मुकदमे के अखता के बाद सुल्तानपुर का एक टुकड़ा एक हिस्सा रुदौली हिजरत करता है मैं वहां से एक हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ काजी वजीर अली के कैद फरंग में इंतकाल और उनके एक बेटे काजी मोहम्मद अहसन के बसलसिला बगावत अठारह सौ में मफकूदल ख़बर हो जाने के बाद पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा लाक़ हो गया था इसके अलावा कोई जरिया आमदनी नहीं रह गया था इसलिए उनके बाकी मांदा तीनों बेटे मोहम्मद फ़ताह फरीद अहमद और हसन महमूद रदौली चले आए जहां उनका नाहयाल था कजी वज़ीली की शादी रदौली ज़िला बाराबंकी मौजूदा ज़िला अयोध्या में चौधरी लुत्वली की बेटी से हुई थी जो चौधरी मोहम्मद अली रुदौली के वालिद चौधरी एहसान रसूल की खाला थी, और उनके बच्चों को नानियाल की जायदाद से गुजारा मिलता था इस तरह वो सुल्तानपुर की जब्ती के बाद रुदौली आ गए और चौधरी एहसान रसूल ही के तवस से नानियाल की जायदाद से रुदौली के कर्ब में कुछ ज़मीनें उन्हें मिल गईं इस तरह सात सौ साल की गाजिया सुल्तानपुर की तारीख क्यों बिखरी कि किसी को एक दूसरे की खबर न रही कि कौन कहाँ गया कस्बा अवत अवध का सबसे ज़्यादा मशहूर बेहद मरदम खेज़ तहजीबी एतबार से बेहद अहम और सबसे बड़ा कस्बा है ये जगह लखनऊ से मश्रक़ में नबे किलोमीटर जंगी सड़क यानी जीटी रोड नेशनल हाईवे 28 पर भिलसर से तकरीबन तीन किलोमीटर जुनूब में वाक़ है लेकिन अब तो रेलवे स्टेशन के बजाय मौजा खैरनपुर ही से आबादी का सिलसिला शुरू हो जाता है वरना मेरे बचपन में स्टेशन से एक किलोमीटर के बाद आबादी शुरू होती थी और इस एक किलोमीटर में खेत और बागात थे और एक बहुत ख़राब खस्ताहाल हाल सड़क थी जो कस्बे के अंदर जाती थी और यक्का तांगे तांगे और कार स्टेशन और भेलसर से आमद का जरिया थे कस्बे की आबादी और रेलवे स्टेशन के दरमियान एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा मज़ार है जो शहीद मर्द का मज़ार कहलाता है जो बैलगाड़ी और ट्रक उस तरफ से गुजरता वो नजर के तौर पर वहाँ कुछ ज़रूर चढ़ाता था जो लोगों के देखते देखते पुख्ता मज़ार बन गया रुदौली की बेशतर आबादी तारुकदारों और ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल है कहा जाता है कि तारीख़ी एतबार से यह बहुत कदीम इलाका है और तारीख़ अवध में गनी ने लिखा है कि कौशल की हुकूमत के ज़माने से ये कस्बा आबाद रहा है यहाँ सूफियों की बहुत सी दरगाहें हैं और जहाँ उर्स और सिलसिले लोगों की आमदरफ़्त के रहते हैं यहाँ की एक बड़ी दरगाह शेख मखदुम अब्दुल्ह रहतल रह की है जहाँ हर साल उर्स होता है यहाँ के सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़र शेख़ अहमद अब्दुल सात सौ छिहत्तर हिजरी जो मखदूम साहब के नाम से मशहूर हैं मखदूम साहब साबरी चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान के सूफिया की तारीख में उनका बहुत अहम मकाम है उर्दू ज़बान की नशोनुमा के सिलसिले में भी उनका नाम लिया जाता है उर्स के ज़माने में यकुम जमादियों आखिर से पंद्रह जमादियों आखिर तक पंद्रह दिन कवाली की महफिलें होती हैं यहाँ की एक खसूसियत ये भी है कि एक शब मस्जिद में महफ़िल समा होती है जो कि कहीं भी नहीं होती कहते हैं कि ख़ुद मखदूम साहब ने वहाँ बैठ कर सुनी थी जो कि मौजूदा सज्जादा नशीन ने बंद करा दी यहाँ समा की महफ़िलों में सिर्फ फारसी या हिंदी का कलाम ही पेश करने की इजाज़त थी हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल यहाँ आते थे लेकिन उर्दू कलाम नहीं पढ़ सकते थे और सुनने वालों की भी ऐसी समय तबीयत तरबियत हो गई थी कि फ़ारसी और हिंदी कलाम के अलावा वो सुनना भी नहीं चाहते थे इस दरगाह में दो सजादा नशीन हैं एक शाह अबी अहमद के बेटे शाह हमद अहमद जिनके बाद अब उनके बेटे शाह आरिफ अहमद शब्बू मियाँ सजादा नशीन हैं दूसरे शाह आफाक अहमद के पोते मेरे दोस्त शाह शमीम अहमद के बेटे शाह अम्मार अहमद नय्यर मियाँ हैं रुदौली सूफिया का मरकज रहा है शेख सफ़ी शेख मोहम्मद इस्माइल, शेख मोहम्मद समाउद्दीन शेख मोहम्मद साले के फ्यूज बरकात के चश्मे इसी सरजमीन से जारी हुए शेख अब्दुल अब्दुल्कदूस गंगोही का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था सैयद मोहम्मद साल सूफी शाह शुजा गिरमानी की औद थे आपका मजार शेख साल शेख सलाउद्दीन सहरवर्दी के मज़ार के करीब जाम मस्जिद रुदौली के सामने है दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट कहते हैं लेकिन रुदौली जो उसका दसवां हिस्सा भी नहीं है उसको ये शरफ़ हासिल है कि छः सूफिया का मरकज़ है इन्हीं बुजुर्गों की वजह से रुदौली को एहतराम रुदौली शरीफ कहते हैं बुजुर्गों का ये तस्करा सैयद सालार मसूद गाजी और जहरा बीबी के तस्करे के बग़ैर मुकम्मल नहीं कहा जा सकता कहते हैं कि जहरा बीबी नाबीना थी सैयद सालार का जब एक बार गुजर दौली से हुआ तो वो उनके पास गईं और उनकी दुआ से उनकी आँखों में रोशनी आ गई उन्होंने सैयद सालार से शादी की दरख्वास्त की सैयद सालार ने बहराइश ए, की जंग से वापसी पर शादी का वादा किया लेकिन वो वहीं शहीद हो गए जहरा बीबी ने उनका रोज़ा तमीर कराया रुदौली में इस रोज़े की एक एक ईंट लाकर दफन की गई और हर साल जेठ के महीने में के पहले एतवार को यहाँ मेला लगता है दूर दूर से लोग पैदल चलकर इस मेले में आते हैं ये आने वाले बड़े बड़े सजे हुए बांस लिए होते हैं जिनके ऊपरी हिस्से में लंबे बाल बंधे होते हैं ये लोग उर्फ आम में जल्फ़े वाले कह कहलाते हैं जल्फे जुल्फों की बिगड़ी हुई शक्ल है इनकी हैसियत सैयद सालार के बारातियों की होती है यानी वो जहरा बीबी से सैयद सालार का काद कराने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं इसी रिश्ते से कस्बे के तमाम शरफा और रऊसा मेले से एक दिन पहले कस्बे में उनके दाखिले की जगह पर सुबह उनके के लिए खड़े होते थे और ये आने वाले उन्हें कौड़ियाँ मारते और मजाक करते हुए कस्बे में दाखिल होते थे आधी रात में अगर के वक्त इसका ऐलान होता था कि पचका लग जाने यानी कमर दरकरब शुरू हो जाने की वजह से निकाह नहीं हो सकता उसके बाद जल्फे वाले और दूसरे लोग बहराइच चले जाते हैं और वहाँ ये सालार का मेला होता है रुदौली में दो चीज़ें बहुत अहम हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा सिर्फ इशारतन चंद जुमले आपके सामने अर्ज कर दूँ एक तो ये उर्स और शाह मकदूल रहू का और दूसरा रुदौली का मुहर्रम रुदौली के मुहर्रम में आ, सबसे बड़ी बात ये कि ये मुहर्रम तमाम मुसलमान और हिंदू मिलकर मनाते हैं सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये किसी एक तबके या एक फ़िरक़े का हर्रम नहीं होता यहाँ आलम उठाने वाले ताज़िया उठाने वाले मजलिस बर्पा करने वाले रात में चाय और शरबत की पिलाने वाले हिंदू मुसलमान और शिया और सुन्नी हर तरह के लोग हमेशा से थे और ख़ुदा के फजल से आज तक आए तज़िये रखे जाते हैं और ये ताज़िये एक इलाका है दुदाधारी का वहाँ दस मुहर्रम को दफन किए जाते हैं और इनमें सारे लोग शरीक होते हैं हिंदू भी इसमें रोटियां बांटने अपने घर के सामने शबीर लगाते हैं मुसलमान भी इन लोगों जुलूस वालों को तबरुक तक करते हैं और दूधाधारी में जाते हैं दूधाधारी का नाम आया तो इसका थोड़ा सा जिक्र भी कर दो यूं तो मौजा वजीरगंज के पास ये गैर आबाद जगह थी एक बहुत बड़े इलाके में दो मिट्टी के काफी ऊंचे और दूर तक फैले हुए पहाड़ी नुमा टीले थे उनके बीच में बहुत बड़ा तालाब था टेलों के पास की जमीन पर ताज़िय दफन होते हैं लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ एक बहुत वसीज इमारत है जिसमें तीन मस्जिदें चार इमाम बाड़े एक परी खाना एक जिन्नात खाना और कई सहंचियां हैं और इनमें जाने के लिए तकरीबन चढ़ने पड़ते हैं ये इमारत वजीरगंज के काशी राम कलवार ने बनवाई थी जिसकी कब्र इसी इमारत में मौजूद है कहते हैं कि उसने एक रात ख्वाब देखा जिनों ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस जगह एक इमारत बनवाओ इस हुक्म के साथ उसे ये भी बताया कि फुला फुला जगह पर रुपया है तुम इमारत के अखराज के लिए वहां जमीन खोद कर रुपया निकाल लो उसने उस जगह को खोदा वहां जो रुपया मिला उससे इस इमारत की तामीर हुई जमीन चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी ने उसे तोहफतन दे दी थी दुधारी के नाम के सिलसिले में एक अजीब क़स्सा मशहूर है कहते हैं कि वज़ीरगंज से रोज़ाना एक नौजवान औरत दूध बेचने कस्बे में आती थी और दूध बेचकर वापस चली जाती थी एक दिन मौजूदा दुध की जगह पर एक बुज़ुर्ग नजर आए उन्होंने उस औरत को बुलाकर दूध मांगा उसने दूध दे दिया बुजुर्ग ने दुआ दी जा तेरा दूध कभी ख़त्म न हो वो औरत मामूल दूध बेचने कस्बे में आई सारा दिन दूध बेचती रही लेकिन दूध खत्म न हुआ शाम होने लगी तो घर की तरफ चल पड़ी उसी जगह पहुंचकर उसे फिक्र हुई कि वो घर वालों को क्या जवाब देगी कि इतनी रकम उसके पास कहां से आई जबकि दूध दूद उसी तरह मौजूद है मारे डर के उसने दूध की मटकी जमीन पर पलट दी उसमें से दूध की ऐसी धार बह निकली कि चारों तरफ दूध ही दूध नजर आने लगा उस दिन से ये जगह दूधाधारी यानी दूध की धार के नाम से मशहूर हो गई ये इमारत अब बहुत शिकस्ता है लेकिन देखने से ताल्लुक रखती है मालूम नहीं अब भी वहाँ परियां और जिन रहते हैं या नहीं ख़वात हजरा और इस प्रोग्राम के तमाम मुंतजम डॉक्टर फ़िरोज़ आलम मैं हिचकिचा रहा था कि मैं किस तरह से इसे पढ़ सकूंगा, जो भी इधर उधर से जिन हिस्सों को मैं निकाल सका वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए 500 सौ सौ की किताब में से कुछ मख्तसर करके पढ़ना भी एक दुशवार काम है मैं आपके सेंटर का यूनिवर्सिटी का और तमाम लोगों का वो तम वो तमाम लोग जो इसकी टेक्निक और इसके रिकॉर्डिंग में मसरूफ रहे और अपना वक्त दिया उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मानो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं हसन साहब जो मेरे साथी रहे हैं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इंतजाम कर रखा है कि सिलसिला जारी रहे मैं तमाम उन देखने वालों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इतनी देर हमारे साथ रहे बहुत शुक्रिया सर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से इस मीडिया सेंटर की जानिब से और अपनी जानिब से मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं अपनी टीम की जानिब से आपका बेहद ममनून हूं सर नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी हमें इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज